All right, guys, welcome to the top 5 can do of this week, and we will start with your comments first. Okay, now this comment. भाई पहला comment है कुछ तो बोलो. बोलो क्या मैंने video में feature कर दिया. Now the second one. The man versus wild segment is fire. Satya भाई keep doing it. I'll keep doing it and keep improving it also. I will try to add more characters. Thank you so much guys, and yeah, don't forget to press the like button. So that was all the thing. Now potholes guys. सड़क के गड्ढे. और इससे लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि कुछ भी यूजलेस नहीं होता, कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाता है. ये सड़क के गड्ढे, अब समझो एक एम्बुलेंस जा रही थी, उसमें एक डेड बॉडी थी, और जैसे ही वो पॉटहोल्स के ऊपर से निकली, गड्ढों की वजह से एम्बुलेंस ऊपर नीचे हुई. और क्या हुआ सच्ची, वो जो डेड बॉडी थी उसमें जान आ गई. नहीं, ये हुआ है, हुआ, ये हरियाणा में हुआ है. It was the news this week. Yeah, it actually happened. He was the guy. मतलब क्या क्या कमाल की चीजें हो रही है देश में मोदी जी. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. नहीं, क्रेडिट मिलना चाहिए. क्यों चीज़ करा भाई? क्योंकि वहाँ पे इन्हीं की पार्टी की सरकार. So yeah, guys, potholes can save life, but they are actually ruining so many. कि खुदगर्ज है वो लोग जो सड़क के गड्ढों को बदनाम करते हैं. खुदगर्ज है वो लोग जो सड़क के गड्ढों को बदनाम करते हैं. यही गड्ढे तो जिंदगियां आबाद करते हैं. See, we have variety of things in our country. So we have the lifesaver potholes. That was the pothole people are saying. यही तो बादशाह है. न्यूज चैनल वालों ने गड्ढा भी ढूंढ लिया जिसपे से वो एम्बुलेंस ऊपर नीचे हुई थी. पर गड्ढों को छोड़ो, ये एकदम से सैटेलाइट व्यू देखो. ये देखो, ये बहुत कमाल की चीज है. गड्ढे की बात तो हो गई, ये अटल सेतु है जो 21 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है. इस पुल के शुरू होने से मुंबई में ट्रैफिक में बड़ा बदलाव आएगा. इतना ही नहीं, मुंबई की नवी मुंबई, पुणे, गोवा और दक्षिण के राज्यों से भी दूरी कम हो जाएगी. दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया. द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज अराउंड 2.2 बिलियन. पर उतना ही खर्चा भी है, उतना ही टोल भी लगना है. इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो देखो मोदी जी क्या चल के आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है शिवाजी द बॉस. And people clicked this picture of Modi ji, and then they started. तो सवाल ये बनता है देवी और सज्जनों के, इस पिक्चर को क्लिक करते वक्त मोदी जी क्या सोच रहे थे? ए, कहीं पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही? बी, ये तो भारी शिवाजी द बॉस टाइप सीन हो गया. सी, क्या ब्लैक रोड के साथ मेरी व्हाइट कुर्ता मैच करेगी? या फिर डी, जल्दी फोटो क्लिक कर वीडियो भी लेनी है. दिस कैन डू थिंग, we have to talk about it. I mean, this video went viral. Maine likha tha 100 dafa. And in the first go, if you look at this video, if you're like, ye bhai kar kya raha hai yaar? Bhai, fir aapko samajh aayega, he was actually helping her to sing the song. He is passing the microphone. Ye sab kya dekhna pad raha hai? Acha hai main andha hu. Everybody was like, bhai kya kar rahe ho? वो क्या है ना कि भाई अपना ही गाना सुन के थोड़े से एक्साइटेड हो गए, और ज्यादा एक्साइटेड हो गए तो फिर वो क्या दुखिया. मतलब भाई के माइक देने का तरीका बड़ा कैजुअल है. एंड व्हाट इज द एज ऑफ मिस्टर सलमान खान राइट नाउ? आई मीन सीरियसली, इसी पे अर्ज किया है कि उम्र कहती है कि संजीदा हो जाओ. उम्र कहती है संजीदा हो जाओ, भाई कहते हैं कि थोड़ी बकचोदी और सही. भाई के अंदर की जीव को समझते हैं. ये जीव जीवन भर एक विशेष प्रकार के हिरण का शिकार करने के लिए घूमता है, और इसी के शिकार के चक्कर में कई बार खतरे में आ जाता है. इसके अजीब से स्वभाव के कारण झुंड की कोई भी मादा इसे नहीं मिल पाती, और ये जीवन भर अकेला विचरण करता है. एंड दैट वाज द भाई का कैजुअल माइक देने का स्टाइल. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दुआ लिपा का बैठने का स्टाइल. ये भी बड़ा कैजुअल है. बेटा नीचे आओ. सो मेनी पीपल आर कंपेयरिंग इट विद द स्टाइल ऑफ बच्चन साहब. एंट्री अच्छी है, लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है. कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक है. ओके नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट. नो नो नो, ऑन टेनिस ग्राउंड. या ही इज प्लेइंग क्रिकेट. कॉमेंट्री बनती है, भाई इतना बड़ा टेनिस स्टार है, मतलब पहली बॉल एक धांसू प्रयास, और ये ओ इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो. वेरी नाइस, बहुत अच्छे, अब मत खेलना. एंड सो मेनी पीपल ऑन द इंटरनेट वॉज लाइक, भाई अच्छा है तूने क्रिकेट में करियर नहीं बनाया. ही डिड इट व्हेन दे अबाउट टू स्टार्ट द ऑस्ट्रेलियन ओपन. एंड व्हेन यू हर्ड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, यू नो दैट फाइनल,
ये बहुत हिट करेगा क्रिकेट लवर्स को, सेंटीमेंट हो जाना कि फाइनल की उस हार ने मेरा दिल तोड़ दिया था, फाइनल की उस हार ने मेरा दिल तोड़ दिया था, उसी रात से मैंने ये खेल देखना छोड़ दिया था। In recent times, you don't know which match or which series is going on. But yeah, you will get the viral video or a picture of it. भारत और अफगानिस्तान के बीच मोहाली में खेले जा रहे T20 मुकाबले में वो रन आउट हो गए। रोहित का रन आउट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो सवाल ये बनता है दिव्यांश सज्जनों की, रोहित उस वक्त गिल को क्या कह रहा था? ए, अब ठीक है। बी, प्यार में अंधे। सी, अंधा है क्या लगे? या डी, Why always cricket, cricket? Let's talk about football. I mean, check out the passion of the brother. आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। जिसने भी उसको बॉल फेंके उकसाया ना, बहुत बड़ा कमीना था। वो जानता था कि ये किक करेगा। इतना बड़ा हादसा हो गया। For your information, AFC Asian Cup is going on. उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 2-0 से हराया है। ऑस्ट्रेलिया अटल सेतु इज द बिगेस्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। ये दुनिया में 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल है। इस पुल के शुरू होने से मुंबई में ट्रैफिक में बड़ा बदलाव आएगा। और बहुत चल रहा है कि ये इतना एक्सपेंसिव ब्रिज बना है कि आदमी को उसकी औकात दिखा दी। नहीं, सच में अगर आप उसको एक महीने तक यूज करते हो थ्रू कार आते जाते हो तो करीब 1.5 लाख रुपए का तो टोल देना पड़ जाएगा। वाह मोदी जी वाह, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। वी गोना टॉक अबाउट इट मोर ऑन दिस। बट यस, बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बोल रहे हैं कि गरीब आदमी क्या करेगा मोदी जी ये वो। पर कुछ लोगों का मत ये है कि मुंबई में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मतलब पैसा, टाइम बचेगा, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत जल्दी ब्रिज की जो कॉस्ट लगी वो रिकवर हो जाएगी। बहुत ज्यादा महंगा ब्रिज बना है। एक और आइडिया है मेरे पास। अच्छा, ये जो सेल्फी लेते हैं ना उनके ऊपर भी टोल लगा। नहीं, ये ब्रिज अभी बना है। एंड चेक आउट दीज पीपल, दे आर क्लिकिंग पिक्चर्स। ये देश इसी लायक है। एंड ट्रस्ट मी, ये रील्स बनाने वाले। दीदी, ओ दीदी, लेट मी टेल यू दिस अ बिग थ्रेट। ये भी ट्रेंडिंग में आ जाएगा, सब पहुंच जाएंगे वहां। अभी लोगों ने रुक रुक के सेल्फी लेना शुरू कर दी है। डिजिटल इंडिया पाएंगे इनकी मार्क। देखो ना ये लोग क्या कर रहे हैं यार, वो कचरा वचरा करना शुरू कर दिया है, रोक रोक के सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। थोड़ी तो शर्म करो, मतलब इन पर फाइन लगाओ, टोल टैक्स से ज्यादा इन पर टैक्स लगा दो, फाइन लगा दो, रील्स बनाने पे फाइन। दैट एक्चुअली यू नो दिस इज डेंजरस एंड दिस इज ऑफुल। हम भारतीय कब सुधरेंगे? कभी नहीं। रील्स की दुनिया में क्या डेवलपमेंट चल रही है, मतलब क्या है ये? फिर वही ग्लेशियर वाली बात आ जाती है कि क्यों बचाए हम ग्लेशियर, पिघल जाने तो डूब जाएंगे साले। Can do generation. Anyway, guys, that's today's show. Thank you so much for watching. तो करना